साहब 10 मिनट ही हुए होंगे तो आपको याद होंगे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं यार खराब हो गया यार, मैं क्या बोल रहा हूँ यार। ऐसे घर की छत पे खड़े होके ना टॉयलेट करना मुँह उतना अच्छा नहीं लगता। उसके रोकने से पहले मैंने उंगली डाल दी और ये कट गई थी यार। आप देख पा रहे होंगे एक उंगली मेरी थोड़ी सी छोटी है। कैमरा पास लिया, जल्दी ला जल्दी। हेलो दोस्तों यार, मैं आप सभी का वीर जी आदि और मैं अपने सभी भाई और बहनों का स्वागत करता हूँ आज एक और नई वीडियो में। और मैं आज अपने गांव आया हूँ। गांव जैसे फेस्टिवल, अब कल होली थी और आज धुलंडी है तो फेस्टिवल वगैरह पे सब यहाँ पे गांव आ जाते हैं हम। और मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो मैं गुड़गांव रहता हूँ जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। गांव में दादा दादी रहते हैं, मेरे चाचा चाची रहते हैं और जब भी कोई फेस्टिवल होता है, कोई त्यौहार होता है, फिर कोई प्रोग्राम होता है तो सब यहां पे गांव में इकट्ठे हो जाते हैं। बाकी मैं यहां पे बचपन से रहा नहीं हूं वैसे, लेकिन चाव बहुत रहता था बचपन में गांव आने का कि यार सबको रहता है कि गांव जाने का थोड़ा चाव सा रहता था। बड़े चाव करके आते थे यहाँ पे और मेमोरीज जुड़ी होती हैं, बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं उस चीज़ को लेके। तो वो सब एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर। और गांव में देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं मैं आपको सब आज इस वीडियो में दिखा दूँगा कि क्या क्या कुछ है यहाँ पे जो हमारा अपना है या फिर जो जो गाँव में है ऑलरेडी, वो सब मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा। और मैं आपको बता दूँ जो हमारा घर है गाँव में, चलो मैं घर दिखाऊँगा तभी बताऊँगा घर के बारे में, लेकिन वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं फिर उसके साथ साथ ही आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो ये जो आप इधर देख पा रहे हो ये हमारा घर है, बहुत पुराना घर है, ये आज का घर नहीं है। अगर आपको देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना घर है तो आपको बता भी देता हूँ, इस घर को बने हुए लगभग 55 से 60 साल, मतलब 56 से 60 ईयर्स हो चुके हैं, जो कि यार मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा है। बाकी आप बताना कि कितना पुराना घर आपको देखने से लग रहा है। और ये हमारी बाइक खड़ी है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वीडियो में दिख रहा होगा। इसके साथ ही ये मेरे पापा बैठे हैं और ये मेरी दादी जी। तो कुछ ऐसा घर है। और इसके बाद इधर ये बाथरूम है और ये पूरा खुला चौक है और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह उगाते हैं गांव में, जैसे दादा दादी होते हैं या फिर चाचा चाची, सब सब्ज़ी वगैरह यहाँ पे उगाते हैं। और अब अगली चीज़ आपको दिखाना चाहूँ तो इधर देखो, जैसे ये एक बार आप इधर जो देख पा रहे होंगे ये हमारे घर का गेट है और इधर बाहर के साइड एक दूसरा चौक है, मतलब चौक बोलते हैं खाली एरिया है जहाँ पर भैंस वगैरह बनती है। और इधर ट्रैक्टर खड़ा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ट्रैक्टर है। बाकी ये खाली जगह है पूरी और इधर भी खाली पड़ा हुआ है पूरा। और उसके साथ ही ये जो बाहर की जो चीज़ है ये बैठक बोलते हैं, जैसे कि कोई बाहर से कोई मेहमान आता है तो उसको बैठाते हैं या फिर यहाँ पे दिन में जो अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बैठ के यहाँ पे ताश वगैरह खेलते हैं, हुक्का पीते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे। और ये गाँव का एंट्रेंस गेट है, मतलब गाँव में जहाँ पे एंटर करते हैं वो रोड है ये, यहाँ से एंटर ऐसे ऐसे और फिर ये रास्ता चला गया घर के अंदर। तो कुछ ऐसा घर है। और अगर मैं आपको बताऊँ कि यार ये कितना बड़ा एरिया है, आप सोच रहे होगे तो ये लगभग 1.25 बीघा, बीघा कितना होता है मतलब मेरे को नहीं पता बीघे में कितने क्या गज वगैरह होते हैं, लेकिन 1.25 बीघा के आसपास है ये। तो वो चीज़ अगर आपको आइडिया हो तो मेरे को कमेंट करके बताना कि यार 1.25 बीघा में कितना क्या गज वगैरह होता है। ये मैं दोबारा थोड़ा सा पीछे आ गया और ये मेरा भाई है, मेरे चाचा जी का लड़का, जो कि कैमरा पकड़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी कैमरा मैंने पकड़ रखा है। और इधर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये ऐसा कुछ है इधर बाथरूम वगैरह। और वो मेरी चाची जी, ये उपले वगैरह जो हारे में अपन चढ़ाते हैं दूध वगैरह गर्म करते हैं गांव में, तो कुछ वैसा होता है ये जो मैंने आपको दिखाया इसमें। और ये घर की छत है ऊपर, ये बाकी कमरे हैं यहाँ पे। तो चलो अब नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं जिसमें मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाऊंगा। यार ऐसे घर की छत पे खड़े होके ना टॉयलेट करना मुँह उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मज़े आते हैं। और ये मैंने इसलिए किया, एक बार तो दोबारा फोकस कर दे कैमरे पे ताकि क्या पता उनको दिख नहीं रहा, पर अब यार फोकस हो गया। और मैं आपको बता दूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जब हम छोटे छोटे से थे जब हमें ये समझ नहीं होती कि यार कैसे क्या करना है, अब फ्रेश होने कहाँ जाना है, तो वो चीज़ें जब होती थी जो छोटे छोटे थे वो चीज़ें मेरे को अब भी याद है। जब हम यहाँ पे खड़े होके, मैं यहाँ पे खड़े होके और जितने भी भाई थे, भाई बहन थे, सब मैं यहाँ था, मैं सबसे बड़ा हूँ भाई बहनों में, मैं यहाँ पे खड़े होके रात को उठ के यहाँ से टॉयलेट वगैरह करता था। और आपको सुन के शायद बुरा लगेगा, मुझे भी यार बता दे थोड़ी शर्म आ रही, लेकिन एक बार मैंने सुबह उठ के फ्रेश भी यहाँ पे हो गया।
जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हो गया था। मैंने आपको यार बहुत मेमोरी थी उस टाइम, अच्छी नहीं लग रही थी बताने में, अच्छी नहीं लग रही, लेकिन जब याद करता हूँ ना पुरानी चीज़ें की, पुरानी चीज़ें क्या होती है, और मेमोरीज काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी खुशी मेरे को मिलती है उस चीज़ के, और हर एक इंसान को मिलती है जब भी आप अपनी बचपन की चीज़ें याद करते होते हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं खुशी होती होगी, बचपन के दिन याद आते होंगे, तो ऐसी बहुत सारी मेमोरीज होती हैं जो याद आती है। और एक चीज़ और है यहाँ पे जो कि बचपन से मेरे को याद है और आज भी मेरे को उस चीज़ दिख रही है, मैं आपको दिखाता हूँ पहले, और उसके ऊपर मैंने एक बार अपना पैर भी तुड़वाया था, जिस चीज़ को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बेर की बड़बेरी जो कि अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई, बचपन में थोड़ी सी छोटी थी, इसे बाकी तो ऐसी थी जहाँ तक मेरे को याद दिखने, थोड़ी छोटी थी, और उसके बेर तोड़ने के चक्कर में एक बार मैंने अपना पैर तुड़वाया था, इसमें बेर अब भी लग रहे हैं, आपको दिखाता हूँ एक बार वहाँ पर जाके। चलो तो इस दीवार और उस दीवार के पीछे में पता है पहले एक पत्थर लग रहा था, थोड़ा बड़ा पत्थर था, जिससे इस दीवार से उस साइड जा सकते थे, नीचे गेट था, और अभी वो हटा दिया तो मैं उस साइड नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको दिखा दूं, ये है वो बड़बेरी जिसमें अभी भी बेर लग रहे हैं, लेकिन आपको शायद दिख नहीं रहेंगे वो कैमरे के अंदर, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, देखो आपको शायद दिख जाए, यहाँ पे बेर लग रहे हैं इसमें, और बचपन में इसी बड़बेरी ने मेरा पैर तोड़ा था। मैं जिस पत्थर की आपसे बात कर रहा हूँ, दोनों दीवार पे एक पत्थर था, जिस पत्थर की वजह से मैं उसके मतलब उस पत्थर से मैं नीचे पड़ गया था, वहाँ पे देख रहे होंगे मैं यहाँ पे पड़ गया था, और मेरा पैर टूट गया था, लेकिन कुछ दिन में ठीक हो गया था, वो कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं आया था वैसे तो। तो अब मैं ये चीज़ें आपको दिखा चुका हूँ, और अब बारी है खेतों की तरफ जाने की, जो कि सबसे मस्त जगह है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेमोरी जुड़ी है, तो अभी हम वहाँ पे खेतों की तरफ चलते हैं, लेकिन तब तक के लिए मैं कैमरा बंद कर देता हूँ, इधर धूप आ रही है, आपको फेस नहीं दिख रहा होगा, ये मैंने फेस की तरफ कैमरा कर लिया, और अब खेतों की साइड चलते हैं, और वहाँ पे मैं आपको कंप्लीट डिटेल से सारी चीज़ें बताऊँगा, मेमोरीज अपनी यार जो कि मेरे को काफ़ी खुशी होगी आपसे बताने में। वहां पे मैं अच्छे से बता पाऊंगा आपको। सर अभी हम आ गए गांव के बाहर, और यहाँ पे मुझे आपको कुछ दिखाना है, वो है यहाँ का सरकारी स्कूल, जिससे कुछ यादें मेरी जुड़ी हुई है, और मैं बाइक खड़ी कर देता हूँ यहाँ पे, बाइक अंदर नहीं जा सकती, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी वैसे भाई ने गेट ही खोल दिया, तो अभी अंदर बाइक ही ले चलते हैं, फिर बात करते हैं यार। अभी आ गया हूँ मैं, सरकारी स्कूल है जो हमारे गांव का, उसके अंदर, और ये मैंने बाइक अंदर ही ले आया हूँ, मतलब अंदर ले आया मैं, यहाँ पे थोड़ी आवाज़ ज़्यादा हो रही है, बच्चे आ गए हैं, तो मैं थोड़ा बाहर आ जाता हूँ। तो यार देखो, वैसे तो सरकारी स्कूल पूरा बंद पड़ा है, मैं आपको पूरा दिखा दूंगा जैसा भी है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जिस वजह से मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। एक रीज़न है यहाँ पे लाने का आप लोगों को यहाँ पे, कि जब मैं छोटा था, मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं हूँ, बचपन से ही नहीं पढ़ा, जब मैं फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट क्लास में ही मैंने टपुड़ा से पढ़ाई की है, टपुड़ा रहते हैं मम्मी पापा और मैं और मेरा छोटा भाई, यहाँ पे दादा दादी जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे वीकेंड में छुट्टियों में मैं हमेशा यहीं पे आता था, बहुत चाव रहता था, बहुत मतलब लड़ाई हो जाती थी मम्मी पापा से कि मेरे को गांव जाना है इस चीज़ को लेके। और इस स्कूल से इसलिए मेमोरी जुड़ी है क्योंकि इसमें पढ़ा बेशक नहीं, लेकिन आपको शायद कुछ लोगों को पता हो कि सरकारी स्कूल में वीकेंड पे कभी कभी गंडेरी टाइप कुरकुरे जैसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मेरा भी हाथ दुख रहा है, मैं चेंज कर रहा हूँ, मतलब कुरकुरे जैसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसका नाम शायद गंडेरी है, मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा, वो सरकारी स्कूलों में बटती है फ्री, और कभी कभी खाना भी खिलाते हैं, तो घर का खाना छोड़ के उस चीज़ को खाने में यहाँ पे ज़रूर आता था, कभी गंडेरी या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो यहाँ पे खिलाते थे, छोटे थे बच्चे थे, बहुत चाव रहता था, बहुत शौक रहता था उसको खाने का, और उसके लिए घर वाले से लड़ाई कर देते थे कि मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पे जो बाकी बच्चे पढ़ रहे होते थे उनके साथ यहाँ पे बैठते थे ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए, और खाते थे बस, उनको खाने के लिए मैं यहाँ पे आता था इसके साथ, मतलब स्कूल के अंदर। और एक बार आप पूरा स्कूल देख लो, मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये पूरा स्कूल है, अभी ये स्कूल बंद पड़ा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, और इधर छोटा सा पोर्शन इधर और है, और ये मंदिर है इस स्कूल के अंदर एक, जो कि आप देख पा रहे होंगे, और ये यहाँ पे पानी का नलका है, पहले इसमें पानी आता था लेकिन अब नहीं आता है वो पानी, ठीक है, और इधर समर्सिबल वगैरह लग चुकी है शायद, इसलिए वो पानी बंद कर दिया है, और यहाँ पे एक कुआ भी है, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक कुआ है, और मैं एक बार आपको ऊपर जाके दिखा देता हूँ, इस पे जाल लगा रखा है, और इसमें यार पहले पता है जब छोटे थे तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा इंसिडेंट होता था, इसमें कभी कुत्ते बिल्ली वगैरह सांप वगैरह पड़ जाते थे, फिर सांप को तो खैर कभी नहीं निकाला, लेकिन कुत्ते बिल्लियों को कोशिश करते थे बाहर निकालने की, कभी कभी निकाल भी लेते थे, कभी कभी नहीं निकाल पाते थे,
तो ऐसा ही होता था, इसलिए इस शायद इस पे जाली लग गई है, लेकिन जब लगनी चाहिए थी तब नहीं लगी जाली, अब लगी है यार। तो अभी ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी सरकारी स्कूल की, अपने गांव का जो सरकारी स्कूल है उसके बारे में, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मेरे से छूट गई है, जो कि नहीं छूटनी चाहिए थी, जिसको अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो मुझे शायद खुद अच्छा नहीं लगेगा बाद में जब मैं वीडियो को एडिट करने बैठूंगा, और वो ये है कि इस स्कूल के बाहर एक मंदिर है हमारे गांव का, और इसकी हम सब पे बहुत मान्यता है, हम बहुत मानते हैं। ये वो मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर उधर है, तो ये मंदिर है जिसको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, मतलब यहाँ पे हम हमेशा आते हैं जब भी कोई, मतलब ऐसा होता है ना कि सबका अपना एक दिन होता है, उस जिस दिन यहाँ पे पूजा वगैरह होती है तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको हम बाबा भैया बोलते हैं हमारे। तो अभी हम ये चीज़ें कवर कर चुके हैं और हम खेतों की तरफ चलते हैं, और खेतों में आपको दिखा देता हूँ कि और खेतों में कैसा क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे देखने को, तो चलो वहाँ पे चलते हैं एक बार जल्दी सी। अभी हम जा रहे हैं अपने खेतों की तरफ। राम राम। ये मेरी माँ है, दूसरी माँ समझ सकते हो आप, जिसको मैंने अभी राम राम किया, जो कि वहाँ से आ रही थी, दूसरा घर है ये। और ये मेरे बाबा के भाई, जिनका ये दूसरा घर बना हुआ है, ये भी मेरे बाबा लगते हैं, मतलब बाबा के भाई हैं। और ये हमारा खेत है, इस साइड जो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा खेत है, बाकी मैं एक बार आपको वहाँ पे जाके अच्छे से दिखाऊंगा कि क्या कुछ है वहाँ पे। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, चलो 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 जल्दी 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 चलो यार, जल्दी जल्दी, नहीं मतलब बाइक तेज मत चला, पटक देगा ऐसे तो तू यार मुझे। यहाँ पे खेतों में यार कच्चे रास्ते हैं जिन पे मैं अभी जा रहा हूँ, और कच्चे रास्ते ही होते हैं गांव में खेतों के ऊपर, कोई एक या दो रोड जो कि बहुत ज़्यादा गांव टाइप होते हैं तो एक या दो रोड ही पक्के होते हैं, तो उसी टाइप का कुछ है। यार अभी हम रोड के साइड में रुक गए हैं क्योंकि ये जो रास्ता है इस पर एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है, और ख़ास तौर से पानी भरा उस टाइम, और आगे पानी भरा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गाड़ी आ रही तो हमें साइड में रुकना पड़ा है, जैसी चली जाएगी आगे की और बढ़ते हैं। चल यार यहाँ तक मैं ही निकालूंगा, तेरे से ना निकल पाएगी यहाँ से। तो यार एक मिनट के लिए मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ से बाइक निकालनी, छोटा भाई है जो कि बाइक शायद नहीं निकाल पाएगा, पटक देगा मुझे भी और खुद ही पड़ जाएगा। यार अभी हंसना बंद करता हूँ पहले तो, यार हंसी आ रही है मेरे को। वैसे यार ये यहाँ पे ना गिर सकती है मिट्टी में, अगर स्टैंड चला गया तो पड़ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा हाथ से पकड़ के रखूँगा, और बाकी मैं इधर बैठ गया तो पड़ेगी तो मेरे ऊपर पड़ जाएगी, थोड़ा सा मैं पकड़ लूँगा इसको। तो अभी मैं खेतों में आ गया हूँ अपने, और मैं आपको बाकी मैंने एक दो खेत तो शायद अपना एक खेत तो मैंने आपको रास्ते में दिखा दिया, और एक खेती मेरे पीछे इसमें सिर सूख रही है। तो देखो खेत यहाँ पे हमारे लगभग काउंट करो तो 7-8 खेत, मतलब 7-8 खेत है, और जो नॉर्मली जो है वो एक खेत का जो साइज़ होता है मेरे को नहीं पता, लेकिन बीघे के हिसाब से पता है, बीघा चलता है यहाँ पे। ये राजस्थान में पड़ता है, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे है, राजस्थान की तरफ है थोड़ा सा, तो यहाँ पे बीघे का रेट चलता है, मतलब बीघा बोलते हैं। तो ये एक जो खेत है 4 बीघे का है, इसके उधर वाला 4 बीघे का है, उससे उधर वाला 6 बीघे का है, मतलब 4 से 6 बीघे के खेत है सारे, तो मतलब 7 से 8 खेत है टोटल। तो आप देख लेना कितने क्या खेत वगैरह हैं हमारे। बाकी यहाँ पे लावनी वगैरह चल रही है, कभी आपने लावनी करवाई है, मतलब ऐसे काट के जो लावनी वगैरह करवाते हैं, चल रही है यहाँ पे। मेरे जो दादा हैं और जो मेरे अंकल की लड़की है, जो मेरी बहन है छोटी, वो सब लावनी वगैरह कर रहे हैं, तो मैं आपको वहाँ पे ले जाके दिखाऊंगा, लावनी चल रही है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक बार शांति से बैठ के, मतलब इसलिए मैं रुक गया क्योंकि यार यहाँ से आगे बाइक लेके जानी थोड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि ये यहाँ तक लेके आ सकता हूँ, अंदर तो कैसे घुसाऊँ यार बाइक,
खेतों के अंदर थोड़ी ना घुसा सकता हूँ, यहाँ पे चल नहीं पाएगी, पड़ जाएगी, पड़ जाऊँगा, फिर पड़ूंगा, उठूंगा, ऐसा होता रहेगा खेतों के अंदर, तो खास तौर से फसल के अंदर। तो बाइक नहीं लेके जाते हैं, फसल का नुकसान होता है सबसे बड़ी बात, अगर नहीं पड़े तब भी फसल का नुकसान काफ़ी होगा। तो हम पैदल जाएंगे उस साइड, मतलब खेतों के अंदर की साइड जहाँ पे लावनी वगैरह चल रही है, और वहाँ पे जो लावनी वगैरह कर रहे हैं, ये मच्छर आ गया यार ये। एक बार मैं आपको खेत दिखा देता हूँ, मतलब जो भी पूरा खेत है खड़ा हो गया, एक बार दिखा देता हूँ फिर भी मैं आपको। तो यार मेरे को कैमरा दे फिर से तू भाई। तो अब इधर जो आप ये खेत देख रहे हो, आपको थोड़ा सा ऊपर से दिखा दूँ, ये पूरा खेत हमारा है और ये साइड में भी हमारा है, लेकिन ये मेरे दूसरे बाबा का खेत है, ये 7 बीघा का खेत है। और अभी जो लानी वगैरह चल रही है उस साइड चल रही है, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, सनलाइट की वजह से नहीं दिख पा रहा होगा, देखो मैं थोड़ा सा फोकस करके, और नहीं दिख पा रहा आपको, चलो वहाँ पे चल ही लेते हैं एक बार, फिर बात करते हैं आगे। अभी आ गए हम बाइक खड़ी करके वहाँ पे और खेतों की तरफ, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे भिंडी और खीरा उगे हुए हैं, अभी से पेड़ नहीं निकले हैं, मतलब बहुत छोटे पेड़ निकल रहे हैं, बहुत इतने इतने से तो दिखेंगे नहीं आपको, और बड़े हो जाएंगे तब दिखाएंगे यार, दोबारा दिखाऊंगा वीडियो बना के खीरे कैसे क्या होते हैं। तो अभी खेतों की तरफ चल रहे हैं, और एक चीज़ और बता दूँ यार, ये जो कभी कभी खेतों में घूमने का जो एक्सपीरियंस होता है ना, मतलब कभी कभी देखो जो लोग रोज़ घूमते हैं ना उनको तो नॉर्मली लगता है, लेकिन कभी कभी अगर अपन घूमते हैं ना, आप बहुत टाइम तक नहीं घूमे हो तो मज़ा आता है, अलग ही मज़ा होता है उस चीज़ का। कभी कभी यार रोज़ घूमोगे तो आपको बहुत मेहनत लगती है इसको काटना वगैरह, लोनी वगैरह, कभी रोज़ तो यार बोरिंग हो जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग होता है कभी कभी आप चीज़ करते हो तो वही चीज़ है। मैं थोड़ा सा भग रहा था तो इसलिए मेरा सांस उफन गया है, बाकी आपको समझ में भी आ रहा होगा, और वीडियो स्किप कर देता हूँ, वैसे तो ना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, मैं ऐसे चलता रहूँगा, तो मैं वहाँ के पहुँच के ही आपसे बात करता हूँ। और ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये भी हमारा खेत है, ये साइड में है ठीक है, और उसके आगे वाला भी, वो थोड़ा सा आगे वो हमारा ही है, और मैं वीडियो स्किप कर ही लेनी चाहिए क्योंकि मैं गिर भी सकता हूँ ऐसे, बीच में एक पगडंडी सी है, डोला सा है, उस पर चल रहा हूँ। तो चलो मैं वीडियो स्किप कर लेता हूँ। तर अभी हम खेतों में आ गए अपने में, और जैसे मैंने बताया था कभी कभी करने में बड़े मज़े आते हैं, मतलब लावनी बोलते हैं आपके वहाँ पे, अगर इस चीज़ को कुछ और बोलते हैं, मतलब इसको काटना, तो बताना कमेंट करके कि आपके वहाँ क्या बोलते हैं लावनी, मतलब हमारे यहाँ लावनी कर रहा बोलते हैं जो फसलों को काटते हैं। कैमरा थोड़ा सा मेरे ऊपर रख यार, मेरी साइड तो कर, अभी मैं तो दिखना चाहिए ना वीडियो में भाइयों को यार। तो अभी ये कर रहे हैं, और इधर की साइड हमारी फैमिली आप देख पा रहे होंगे, वो इधर लावनी कर रही है, और मैं नीचे बैठ जाता हूँ, आप देख लो, दिख रहा है वीडियो में इसको, मतलब सबको। अरे यार ये सिर्फ पकड़ में नहीं आ रही मेरे, अब आ गई पकड़ में, मज़े आते हैं जो इसको ऐसे काटते हैं, खून मतलब जैसे खुरापाती खून खान करके आया हूँ, ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मैं किसी का खून कर रहा हूँ, मतलब पेड़ है वैसे तो काटना ही बनता है इनको, तो कोई गलत चीज़ थोड़ी है। बाकी मैंने आपसे जो पूछा है कि आपके वहाँ पे अगर लावनी को कुछ और बोलते हैं, तो मेरे को बताना कि यार आपके वहाँ लावनी को क्या बोलते हैं। हम ये बोलते हैं लावनी पेड़ों को काटना, ऐसे मतलब फसलों को काटना, बड़े पेड़ों को नहीं, पेड़ पौधों को नहीं, फसल काटने के लिए होती है तो इनको काट सकते हैं, पेड़ पौधों या फिर जो अपने घर में पेड़ पौधे लगे होते हैं या फिर रोड के साइड में लगे होते हैं उनको नहीं काटना चाहिए, वो अलग चीज़ हो गई, फसल अलग चीज़ हो गई। बाकी आप बहुत समझदार हो, आपको पता होगा जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो एक चीज़ और देखो, ये मेरे पीछे ना एक पेड़ है, ये जब हम छोटे छोटे से थे जब ये बहुत छोटा था, ये हमारे साथ साथ बड़ा हो रहा है, मेरे को अभी याद आ गया इसको देख के, और अभी बहुत बड़ा हो गया है। एक और पीछे पेड़ दिखा यार, ये जो पेड़ था ना, पता है जब हम छोटे से थे, मतलब बिल्कुल छोटे थे तो ये बिल्कुल छोटा था, हम थोड़े से बड़े हुए थे ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, और अभी हम बहुत बड़े हो गए तो ये भी बहुत बड़ा हो गया, ये साथ साथ बड़ा हुआ है हमारे, मतलब साथ साथ बड़ा होना अच्छा लग रहा है। बाकी पता है ये जो लावनी करना होता है ना, इसमें बहुत मेहनत लगती है, अगर आप रोज़ करोगे ना, अगर कंटिन्यू भी 3-4 घंटे करोगे ना भाई, नानी याद आ जाएगी, मैं तो भग जाता हूँ, अभी तो बस थोड़ी बहुत देर करता हूँ, मज़े आते हैं, और वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़े से ज़्यादा मज़े आ रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ। बाकी सुबह ना क्या इसमें यार, मैं वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी तो देखो मज़े आ रहे हैं, क्या पता थोड़ी देर और करूँ मैं 5-10 मिनट, लेकिन इतनी कर सकता हूँ, बाकी तो बहुत मेहनत है यार, आपको पता होगा, बहुत से भाई किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे, उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कितनी मेहनत लगती है चीज़ करने में। बाकी अगर अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, इसके बाद जो जगह है हमारी, मतलब अगले खेत, फिर अभी हम दूसरे खेत में आ गए अपने, वो कैमरा मेरी साइड करना, कैमरा पूरा आ रहा,
तो अभी हम अपने दूसरे खेत में आ गए और यहाँ पे यार जो सबसे मेमोरी वाली चीज़ है जो मेरी, जो कि आपको बताऊँगा, ये अभी आपको देख के बिल्कुल उजाड़ लग रहा होगा, बिल्कुल ख़राब हो चुका है अब, क्योंकि पहले टाइप के गांव नहीं रहे यार, थोड़े से एडवांस होते जा रहे हैं, मतलब घर अच्छे होते जा रहे हैं। पहले झोपड़ी टाइप भी घर हुआ करते थे बहुत टाइम पहले, आपको याद होगा। तो मैं आपको यहाँ की जो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा याद आती है मैं आपको बताता हूँ। देखो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कैमरे के सामने खड़ा होके, ठीक है, नॉर्मल बात है, सब लोग बनाते हैं आज के टाइम में। लेकिन जब मैं छोटा था, बहुत छोटा था, मतलब कि थर्ड या फोर्थ क्लास में पढ़ता था, उस टाइम क्या हुआ था कि एक बार अंकल मेरी फ़ोटो ले रहे थे। यहाँ पे पहले एक झोंपड़ी हुआ करती थी, झोंपड़ी आप समझ पा रहे होंगे, एक बड़ी सी झोंपड़ी थी और साइड में गंडा सा लग रहा था जिसमें कि पशुओं के लिए न्यार वगैरह काटते हैं, और यहाँ पे पानी का फर्मा था। ये तो आज भी पड़ा हुआ है, एक बार पानी का फर्मा दिखा दे। और अब कैमरा मेरे पे कर यार, छोटा भाई इसको थोड़ा सा समझाना पड़ता है, इसको कैमरा चलाना नहीं आता, आज थोड़ा सा सिखाया, ट्रेनिंग दिया तो, लेकिन सीख गया है, वैसे माइंडेड आदमी है। तो यहाँ पे एक नींबू का पेड़ था सामने और एक अमरूद का पेड़ था, तो नींबू और अमरूद, अमरूद खाने के लिए मैं ऊपर चढ़ते थे, उसके ऊपर चढ़ते थे। और यहाँ पे एक बार अंकल आए थे कैमरा लेके, सबकी फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। यहाँ पे दादी थी और भी थे कुछ लोग, अब तो मैं बहुत छोटा था, मतलब उस टाइम बहुत छोटा था और अच्छे से याद नहीं है मेरे को यार, लेकिन मेरी फ़ोटो ले रहे थे और मैं फ़ोटो नहीं खिंचवा रहा था, मेरे को डर लग रहा था कैमरे से, इतना डर लग रहा था कि मैं यहाँ से भाग गया था, और भाग के पता नहीं कहाँ चला गया था, मेरे को इतना तो याद नहीं, लेकिन मेरे को कितना अच्छे से याद है, मेरी फ़ोटो खींच रहे थे और मैं यहाँ पे भाग गया था, मेरे को पकड़ के लेके मैं रोने लग गया, मैं बहुत रोया था, बहुत रोया कि ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, मतलब वो एक फ़ोटो के लिए। वो टाइम बहुत अच्छा था, मतलब बचपन सबका, जैसा कि मैंने आपको बताया बचपन की बहुत सारी यादें होती है हमारी, कुछ वैसी यादें यहाँ की। एक बार मैं आपको फिर भी थोड़ा सा यहाँ से दिखा देता हूँ, और यहाँ की एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ की मैंने अभी तक शायद कुछ लोगों ने नोटिस किया हो, नहीं किया हो, लेकिन यहाँ पे जो गंडा सा था जहाँ पे पशुओं का न्यार काटते हैं, मतलब घास वगैरह काटते हैं, उसमें मेरी उंगली कट गई थी एक बार, मतलब उसमें ज्वार होती है, मतलब गन्ने टाइप होती है, भैंसों के लिए उगाते हैं पर ज्वार, तो जो ज्वार होती है वो मैं और मेरा छोटा भाई उसमें काट रहे थे। हम छुट्टियों में गाँव आए थे, हमें करने में मज़े आते हैं चीज़ें, तो उसमें एक गन्ना, मतलब ज्वार का गन्ना थोड़ा मोटा सा था, मैंने उसमें उंगली डाल दी थी, ये उंगली, और मेरे भाई ने वो घुमा रहा था, मैंने उसको बोला रोक रोक, उसके रोकने से पहले मैंने उंगली डाल दी और ये कट गई थी यार, आप देख पा रहे होंगे एक उंगली मेरी थोड़ी सी छोटी है, कट गई थी। मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, इसलिए चीज़ें मैंने बता दी, वो चीज़ें मेरे साथ यहीं पर हुई थी। और मैं जब छोटा था गाँव में आता था तो मैं मैक्सिमम टाइम इस झोपड़े में आके रहता था, इस झोपड़ी में बहुत ज़्यादा खुश था, मेरे को मकान में रहने में इतना मज़ा नहीं आता था, इतनी खुशी नहीं आती थी जितना मेरे को यार यहाँ पे आके खुशी आती थी। यहाँ पे चारों तरफ घास ही घास, मतलब फसल हुआ करती थी, पानी हुआ करता था, और यहाँ पे अमरूद वगैरह लगे होते थे, नींबू वगैरह लगे होते थे, और एक दो चीज़ें और थी फ्रूट वगैरह खाने की, और यहाँ पे बाड़ी वगैरह, खीरे टमाटर वगैरह, ये चीज़ें लगी होती थी, तो यहाँ पे रहने में बहुत मज़ा आता था। तो अब एक बार आप इस खेत को ध्यान से देख लो, यहाँ पे यार का पहले ना काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हुआ करती थी, काफ़ी फ्रूट्स वगैरह के पेड़ लग रहे थे दो तीन, और झोंपड़ी थी, मतलब बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलती थी यहाँ पे, मतलब मस्त मज़े आते थे। और मैं आपको ना आज भी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बताए मेरी ना एक दिल से ख्वाहिश है, बताए क्या है वो ख्वाहिश, वो ख्वाहिश ये है कि यार मेरे को ना भीड़ भाड़ वाला इलाका पसंद नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और शोर शराबा पॉल्यूशन वगैरह हो। मेरी इच्छा ये है कि यार मेरे एक खेत में, खेत के बिल्कुल बीच में थोड़ा सा साफ करके खेत को, और वहाँ पे एक बहुत ही मस्त सी झोंपड़ी बना के, मतलब झोंपड़ी थोड़ी सी अच्छी, मतलब कि मतलब मजबूत, जिसमें बारिश वारिश तूफान उफान में कुछ ना बिगड़े उसका, ऐसी कोई झोंपड़ी, चाहे वो सीमेंट वगैरह से बनानी पड़े लेकिन दिखने में प्योर देसी झोंपड़ी जैसी लगे, ऐसी कोई झोंपड़ी हो, उसमें स्पीकर्स लग रहे हो मस्त, और उसके बाहर एक पूल बन रहा हो, स्विमिंग पूल, और भगवान कसम यार वो जो चीज़ होगी ना मेरे लिए, शायद मेरे लिए सबसे मस्त चीज़ है वो, जो मैं इंजॉय करता हूँ, और मैं ऐसी सोचता हूँ मैं कभी इन फ्यूचर यार कोशिश करूँगा ये चीज़ अपने खेत में करने के लिए, कोशिश करेंगे और बनाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा जिस दिन बन जाएगी। आप मेरे साथ, मेरे को पता है आप मेरे को सब्सक्राइब करके रखते हैं मेरे चैनल को, तो मेरे से कनेक्ट भी रहते हो, और ज़्यादा कनेक्ट रहने के लिए आप नीचे इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। बाकी तो और मैं आपको ना यार सारी चीज़ें बताता रहूँगा जो भी जैसी लाइफ में जैसे जैसे कुछ होगा, और ये चीज़ें थी और की बहुत सारी मेमोरीज है मेरी जो कि मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन यार पता है क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें तब याद नहीं आती जब उसका अपन काम कर रहे हो, जब उसका काम नहीं होता ना तो बहुत सारी चीज़ें याद आती है कि यार मेरे को यार ये बताना था, लेकिन जब एक्चुअल में काम करना होता है कि एक्चुअल में हाँ अब उस चीज़ का यूज़ करना है, जब वो चीज़ें याद नहीं आती, मतलब वो चीज़ें याद नहीं आती कि हाँ अब क्या क्या बताना है। जितना मेरे को याद आया मैंने आपको बता दिया, बताता रहा, और अभी ऐसे याद करता रहूँगा बताता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर इतनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ बता पाता तो ये एक अच्छी चीज़ होती, लेकिन अभी जितना बताया उतना ठीक है यार, तभी घर चलते हैं, फिर घर मिलते हैं आप लोगों से। तो यार अभी मैं फाइनली अपने घर आ चुका हूँ गांव में जहाँ पे मेरा घर है, और
हुक्का भर लिया यार, मैं हुक्का पीता हूँ कभी कभी, तो मैं आपको बता दूँ आपसे यार क्या छुपाना है इस चीज़ को लेके, आपको सब कुछ मैं बता देता हूँ ऑलरेडी अपने बारे में, अपनी सारी चीज़ों के बारे में। और अगर आप भी हुक्का पीते हो, कोई कोई भाई अगर शौक रखता है हुक्का पीने का, तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई मैं भी हुक्का पीता हूँ, तो कभी साथ बैठ के ज़रूर पियेंगे। आप जब भी कभी इन्वाइट करोगे या फिर आप इंस्टाग्राम पर मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी डाल रखी है, वहाँ पर आप मेरे से बात कर सकते हो। तो कभी आप मेरे यहाँ आना या फिर मैं आपके वहाँ आऊँगा तो हुक्का पियेंगे साथ बैठ के यार। और व्लॉग में इतना ही था, बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, दिखा दिया है अपने गांव के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और एक चीज़ और बोल दी थी मैंने आपको, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यार अपने भाई के चैनल को थोड़ा प्यार कम दे रहे हो, इसको तो प्यार दो यार, ऐसी बात नहीं है, और सब्सक्राइब करो चैनल और लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।